हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। बार मैग्नेट एक्ट एज ए सोलेनोइड, बार मैग्नेट लाइक ए सोलेनोइड। ये जो बार मैग्नेट होता है बेटा, किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज या बार मैग्नेट एज एन सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो हमने जो बार मैग्नेट के केस में एक्सियल लाइन के केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था, वो क्या फॉर्मूला आया था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन dq। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। अब हम यही फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे सोलेनोइड केस में। तो यहाँ पे एक सोलेनोइड कंसीडर की बेटा हमने, ऑफ लेंथ 2L। कितनी लेंथ है? 2L लेंथ है। एंड दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर O। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 2L। तो L दिस साइड एंड L दिस साइड। ये जो रेडियस है दैट इज A रेडियस रिप्रेजेंट कर दी। 2L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, जो पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं 2L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एंड A इज द रेडियस। P एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, P पॉइंट हाउ मच डिस्टेंस? एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x, R डिस्टेंस कर लेते हैं। चलिए R डिस्टेंस अभी हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया। अब इसमें क्या है बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया x डिस्टेंस अवे। ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका एक स्मॉल पोर्शन रीजन कंसीडर किया, कितने डिस्टेंस अवे? एक्स डिस्टेंस अवे, दिस इज द। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो है बेटा एक्स, और इसकी जो लेंथ है दैट इज डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। इज इट क्लियर? पी वो पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अगर पॉइंट कहाँ लाई करता है? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो उसमें क्या फॉर्मूला आया था बेटा मैग्नेटिक फील्ड का? फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कहाँ से आया था? करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, कितने डिस्टेंस अवे? एक्स डिस्टेंस अवे, ए इज द रेडियस, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा, जो पैरामीटर हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट 2L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ए इज द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आर डिस्टेंस अवे हमने इसके एक्सिस पे एक पी पॉइंट कंसीडर किया। कितने डिस्टेंस अवे? आर डिस्टेंस। तो इस पी पॉइंट पे इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? स्मॉल होगी, दिस मच, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इस केस में यहाँ पे कितने टर्न्स आएंगे अब ये बताना मेरे को आप। अगर मैं कहता हूँ एन टर्न्स हैं, यहाँ से देखो बेटा, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और यहाँ पे लेंथ कितनी है? डी एक्स, तो कितने टर्न हो जाएंगे? एन डी एक्स। पहला जो चेंज किया यहाँ पे मैंने, एन की जगह क्या लिखा? एन डी एक्स। देखो एन टर्न्स एक यूनिट लेंथ में एन, तो डी एक्स लेंथ में एन डी एक्स। उसके बाद करंट, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट दिखा दिया मैंने, आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है सोलेनोइड में, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। एंड ए स्केयर डिवाइड में, ए स्केयर मीन्स रेडियस का स्केयर प्लस ये डिस्टेंस था उस कॉइल से, डिस्टेंस था हमने इस एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो पूरे में से r में से x सबट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस एक्स का स्केयर, पावर कितनी बेटा? 3/2। कितनी पावर? 3/2। एज इट इज ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किए हैं? n की वैल्यू चेंज की है और पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर किया है।
अब हमने क्या माना, इफ़ पॉइंट पी, इफ़ पी लाइज एट फार डिस्टेंस, एट फार डिस्टेंस, इस कंडीशन में क्या है, ये जो आर है मच ग्रेटर देन ए एंड आर इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन एक्स, आर की वैल्यू एक्स से भी ज़्यादा है, ए से भी ज़्यादा है, तो जो स्मॉलर है उनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन डी एक्स आई ए स्केयर एज इट इज, आई ए स्केयर एज इट इज। इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस देखो पहले इसको देखो, आर ग्रेटर है एक्स स्मॉलर है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, आर स्केयर आ गया, आर स्केयर में ए स्केयर ऐड करना है तो ए स्केयर स्मॉलर है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो अंदर क्या आएगा, ओनली आर स्केयर और इसकी पावर 3/2, तो आर स्केयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर क्यूब आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन डी एक्स आई ए स्केयर अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, इस वजह से डी बी, टोटल की वजह से निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन किया, डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन किया, सारी टर्म आपकी बाहर आ जाएंगी, जस्ट ये डी एक्स रह जाएगा। इंटीग्रेशन किसका कंप्लीट का किया, चलो डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन, 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया, मैं कहाँ ले सकता हूँ, इस एंड पे लूँगा तो प्लस एल, इस एंड पे लूँगा माइनस एल, कहीं भी ले सकते हैं ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस एल से प्लस एल, दिस इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स लिमिट माइनस एल से एल, एल माइनस माइनस एल कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर इंटू में 2L अपॉन आर क्यूब। ये हमने इसका इंटीग्रेट किया। अब इसको मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक टर्म हमने पढ़ी है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसमें क्या होता है एन आई ए, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें सोलेनोइड में कितने टर्न्स होंगे, सोच के देखिए कितने टर्न्स होंगे पूरी सोलेनोइड में, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स एक यूनिट लेंथ में, और टोटल लेंथ कितनी है 2L, तो टोटल टर्न्स कितने होंगे, एन इंटू 2L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट I, एक कॉइल में करंट I, तो इसमें और एरिया, एरिया क्या होगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर क्या है ए है, तो इन सब पैरामीटर की जगह पे मैं एम लिख दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, और इसके बाद क्या रह गया बेटा 2, और ये क्या रह गया आपका पाई ए स्केयर, पाई ए स्केयर एन 2L, एन 2L, तो यहाँ पे क्या आएगा m अपॉन आर क्यूब, तो जस्ट इसकी जगह पे देखो n 2L है, ये मान लेते n, ये 2L, ठीक है i, ये पाई ए स्केयर, इन सब की जगह पे क्या लिख दिया कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला सोलेनोइड की वजह से, और ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये किसकी वजह से है, बार मैग्नेट की वजह से। तो ये दोनों ही बेटा करंट कैरिंग कॉइल, मींस करंट कैरिंग कॉइल सोलेनोइड किसकी तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
तो इसकी जो हमने वो देखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हमने रिप्रेजेंट करी थी, वो भी क्या थी, सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहा था, जैसे बार मैग्नेट का आ रहा था वैसे ही करंट कैरिंग सोलेनोइड का आ रहा था। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।